नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। आइए देखते हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबर एक नजर कोहराम झटपट। झारखंड पुलिस को मिले 6 डीएसपी और 482 रेडियो ऑपरेटर्स। पासिंग परेड में सीएम हेमंत ने टॉपरों को किया सम्मान। झारखंड में संडे लॉकडाउन खत्म, शर्त के साथ घाट पर छठ पूजा मनाने की अनुमति, कोचिंग खोलने की भी इजाजत। जज उत्तम आनंद हत्याकांड में सीबीआई को हाईकोर्ट की फटकार, कहा 302 से 304 की तरफ जा रहा है मामला। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी, 5 व्यक्ति से अधिक डोर टू डोर नहीं कर सकेंगे चुनाव प्रचार। गुमला के डुमरी में पिकअप ने ऑटो में मारी टक्कर, 3 मरे 5 गंभीर। चाईबासा पुलिस के हत्थे चढ़े पीएलएफआई के 2 उग्रवादी, देसी कट्टा और गोलियां जब्त। रांची के बरियातों में जुए के अड्डे पर पुलिस का छापा, कई धराए, 5 लाख नकद और लग्जरी गाड़ियां जब्त। चौथे झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत, पहले दिन 30 फिल्मों की स्क्रीनिंग। पलामू में झाड़ी से मिली महिला की लाश, लकड़ी लेने गई थी जंगल। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में हाइवा ने कुचला महिला का पैर, हालत गंभीर। 11वीं जूनियर वुमेन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में हारी झारखंड की टीम, हरियाणा बना चैंपियन। रांची में एम्स निर्माण का स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया स्वागत, बोले राजनीतिक द्वेष भूल साथ मिलकर करेंगे काम। कन्नड़ पावर स्टार पुनीत राजकुमार का निधन, जिम में वर्कआउट के दौरान आया था हार्ट अटैक। 6499 रुपए में मिलेगा जियो 4G स्मार्टफोन, 1999 रुपए की किस्त में भी ले सकेंगे। कोवैक्सीन को WHO से मिल सकता है अप्रूवल, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, भारत की वैक्सीन इंडस्ट्री पर भरोसा। रोम में संस्कृत के श्लोकों से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत, गांधी की मूर्ति पर चढ़ाए फूल। प्रोविडेंट फंड के डिपॉजिट पर इस साल मिलेगा 8.5% ब्याज, वित्त मंत्रालय ने दी मंजूरी। अब मेटा के नाम से जाना जाएगा फेसबुक, जुगरबर्ग बोले वर्चुअल रियलिटी विजन हासिल करने के लिए खुद को कर रही रीब्रांड। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को मिला 3 साल का एक्सटेंशन, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को हराया, 3 रन से मिली रोमांचक जीत। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहराम लाइव.com के साथ।